और चतरा में एक तरफ बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दुल्हन ने आत्महत्या कर ली है। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव की है, जहां आपको बताएं कि विग्गू उरांव की बेटी ने परमिला कश्यप अचानक बेहोश हो गई। आनंद फानंद में लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परमिला की बहन ने बताया कि रात में वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसके बाद उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। इस बीच बारात में गांव पहुंची, जिसके बाद गांव वालों ने बारातियों को समझा बुझाकर वापस भेजा। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वही मतलब शादी ब्याह का मामला था, तो वही बारात मतलब कि आने वाली थी, अब पहुँच ही चुकी थी। वही 3 बजे आसपास उस टाइम कलशा पूजा हम लोग को चालू हुआ, उस टाइम चालू हुआ पूजा होने के लिए, तो वो पूजा होने के लिए सब इधर निकली फिर निकल गया। उसके बाद अंदर में वो अकेले भी थी, तो उसी के बीच में मतलब कि शायद ऐसा हुआ, तो हम लोग सोचे कि तबीयत खराब हो गई। ये घटना मतलब कि रानीगंज से मतलब कि वहाँ से ईमानगंज फिर ले गए नहीं हम लोग, तो हम खुद हम पूछे थे वैसा मतलब कि ऐसा कुछ बात है तो कहीं मतलब पसंद उसंद किए हैं तो मतलब बोलिए, तो नहीं तो मतलब नहीं जीजाजी मतलब ऐसा बात कुछ बात नहीं है। रीज़न पता नहीं चला, शायद मतलब कि उसका कोई टॉर्चर उचर मिला हुआ घर में तो कुछ है, तब तो वैसा हुआ। वही मतलब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।